हे एवरीवन, वेलकम टू टैलेंट फंडा। मेरा नाम है शिवा शर्मा और आज हम करने वाले हैं हमारा पोस्टर राइटिंग का टॉपिक जो हमें 11th और 12th में देखने मिलता है। ठीक है, और ये 4 मार्कर्स के क्वेश्चन में हमारे आता है। 4 मार्क्स का ये क्वेश्चन हमारा रहता है। सो आज हम इसी टॉपिक को यहाँ पे कवर करेंगे। तो सारी चीज़ों को क्लियर करने के लिए यार वीडियो क्लास तक बने रहिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पोस्टर होता क्या है। ठीक है, पोस्टर ये आपका एक प्ले कार्ड जैसा होता है। ठीक है, जो डिस्प्ले करता है चीज़ों को। ठीक है, पब्लिक प्लेस में किसी चीज़ों को अनाउंस करने के लिए, एडवर्टाइज करने के लिए किसी भी चीज़ का। ठीक है, ये एक नोटिस के तरह भी काम करता है और ये इनविटेशन के लिए भी, मतलब पोस्टर ओवरऑल बहुत सारी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है, ऑल इन वन पैकेज टाइप ये रहता है। सो ये बात हुई पोस्टर की। अब हमारे एग्जाम में इसका क्या रोल है ये देखते हैं। ठीक है, सो बात करें तो फॉर्मेट 1 नंबर का हमारे रहता है, कंटेंट हमारे 2 नंबर के रहते हैं, हम कितना अच्छा उसको एक्सप्रेस कर पा रहे हैं ये 1 नंबर का रहता है। कुल मिला के 4 नंबर का ये हमारे एग्जाम में आता है। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए अब आगे देखते हैं। सो फॉर्मेट की पहले बात करें तो ठीक है, सो जो भी अथॉरिटी इसे इश्यू कर रही है उसका नाम हम सबसे ऊपर रखते हैं। देन उसके बाद टैगलाइन देते हैं। कोई भी टाइटल है या इवेंट है, कुछ भी एग्जीबिशन या वर्कशॉप या कुछ भी उससे रिलेटेड है तो हम उसका नाम देते हैं। फिर स्पेशल अट्रैक्शन देते हैं, ठीक है, उसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए। इलस्ट्रेशन का भी यूज करते हैं, चित्रण का, ठीक है, लेकिन कैप्शन के साथ में करना है इसका यूज। और कब हुआ, डेट एंड टाइम, कब कहाँ, एंट्री फी इफ अगर पूछता है आपसे तो, और बाकी भी उससे मिलती जुलती रिलेवेंट डिटेल्स जो है अपन को वहां पे पुट करनी है। और सबसे एंड में हमारा क्या आएगा, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन। सो ये बात हुई फॉर्मेट की। अब आगे देखते हैं। तो कुछ बातें जो आप याद रखेंगे, ठीक है, इसे बनाने से पहले कि अपन को क्या करना है, सबसे पहले क्रिएटिव टाइटल तो देना ही है। ठीक है, उसका फॉर्म किस रूप में हो, स्लोगन के रूप में हो। ठीक है, स्लोगन के वे में हम यूज करें और राइमिंग वर्ड्स का यूज करें तो काफी ज्यादा क्या लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा। जैसे एग्जाम्पल दिया हुआ है, स्पीड थ्रिल्स बट किल्स, पोल्यूशन नीड्स अ सोल्यूशन, ग्रीन इज क्लीन। सो कुछ इस टाइप के राइमिंग वर्ड्स हमें यूज करने हैं। ठीक है, और आप मैच स्टिक्स फिगर का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ड्रॉ करने के लिए, इलस्ट्रेशन के लिए आप यूज कर सकते हैं। और आपको प्रॉपर स्पेस देना है बनाते हुए, हेडिंग को मेंशन करते हुए, इलस्ट्रेशन के बीच में मिक्सअप ना हो, ये सारी चीजों का ध्यान रखना है। डेट टाइम वेन्यू, ठीक है, मस्ट बी मेंटेन इन केस ऑफ एन इवेंट। इवेंट के केस में आप ये सारी चीजों का ध्यान रखेंगे, डेट टाइम और वेन्यू। और ये जो पोस्टर होता है, ठीक है, एक मैसेज डिस्प्ले करता है, ठीक है, एक अवेयरनेस फैलाने के लिए। ठीक है, और इसके कंटेंट का आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि एक अप्रोप्रिएट स्टाइल हो उनका। और आपको इसको एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, करेक्ट लैंग्वेज का आप यूज कर पाए, इस चीज़ों को ध्यान रखना है, क्योंकि स्पेलिंग में ही हमारे नंबर सबसे ज्यादा कटते हैं। तो इस चीज़ों को ध्यान रखें कि हमारे लैंग्वेज कैसे हैं और हम गलती ना करें कोई। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, द थीम शुड बी क्लियर। कई बार हम क्या करते हैं कि मिक्सअप कर देते हैं सारी चीजों को और काम वहां पे बिगड़ जाता है। तो इस चीज का ध्यान रखना है कि हमारी थीम क्लियर हो माइंड में, हमें क्या ड्रॉ करना है, कैसे बनाना है सारी चीजों का। और ये पोस्टर क्रिएटिव होना चाहिए, ठीक है, कंटेंट से मिलता जुलता रिलेट करता होना चाहिए। तो ये चीजों का हमें ध्यान रखना है। और एक चीज का और ध्यान रखेंगे, ज्यादा टाइम हम क्या करते हैं इलस्ट्रेशन में देते हैं, सो हमें इसमें ज्यादा टाइम हमको नहीं देना है। ठीक है, जरूरत के हिसाब से हम इसको इलस्ट्रेट करें और ज्यादा फोकस हम करें अपनी राइटिंग लैंग्वेज को, ठीक है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। ठीक है, तो ये चीजें क्या करेंगे, आपको हेल्प करेंगी स्कोर एक बेटर करने में, ठीक है, बेटर स्कोर करने में। ठीक है, और अथॉरिटी का नाम तो हमें रखना ही है। ठीक है, ये बातें हुई कुछ इम्पोर्टेंट जो आपको याद रखनी है। इसके अलावा वर्ड लिमिट का आप याद रखेंगे कि 50 वर्ड्स में ही भाई हमें इसे पूरा कंप्लीट करना है। और ये भी हमारा किस में पुट होगा, बॉक्स में। तो ये कुछ चीजें जो आपको अपने याद रखनी है, एंड नीट एंड क्लीन हो ये भी याद रखना है।
तो चलिए कुछ क्वेश्चन करते हैं, इससे मैं और आगे क्लियर होगा सारी चीजों को। सब क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि डिजाइन अ पोस्टर इज नॉट मोर देन 50 वर्ड्स, ठीक है, पहले ही मैंने बताया कि इससे ज्यादा आप नहीं यूज करेंगे, फॉर योर स्कूल लाइब्रेरी ऑन द वैल्यू ऑफ बुक्स एंड गुड रीडिंग हैबिट। सो अब किस पे बनाना है, ठीक है, अपने आपको अपने स्कूल के लाइब्रेरी के लिए बनाना है, ठीक है, और उसमें बताना है आपको वैल्यू बुक्स की एंड गुड रीडिंग हैबिट के बारे में बताना है, और बोला है कि आप स्लोगन्स भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए क्वेश्चन तो समझ गए, अब आगे करते हैं। तो देखिए, हमने सबसे पहले हमें कैची यूज करना है। सो बुक आर बेस्ट फ्रेंड्स हो गया, ठीक है, हमने इसे इलस्ट्रेट किया दर्शाया, ठीक है, इन्फॉर्म इंस्ट्रक्ट डिलाइट एनरिच और अट्रैक्टिव बनाने के लिए, ठीक है, बुक अ डे डोंट डिले, ठीक है, योर स्कूल लाइब्रेरी हैज 10,000 बुक्स, आपने बताया अट्रैक्टिव और दिखाने के लिए इन चीजों को, और यहाँ पे यूज भी किया है व्हेन यू आर, स्लोगन्स का यूज किया, व्हेन यू आर अ ग्लूमी और लोनली योर बेस्ट फ्रेंड इज अ बुक, ठीक है। सो ये कुछ अट्रैक्शन यूज किया है अट्रैक्टिव बनाने के लिए। डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर, रीड इट एंड रीडिंग मेक्स अ मैन रेडी अ मैन। सो ये बात हुई हमारे पोस्टर की, ठीक है, हमें क्या क्या चीजों को याद रखना है कि कैची टाइटल दें हम, उसके बाद स्लोगन का यूज करें, डिटेल्ड सब्जेक्ट पुट करें, जो हमने सारी चीजों को पुट किया है यहाँ पे और यहाँ पे, और विजुअल इफेक्ट भी हम यूज करें। तो क्लियर ये सारी चीजें, चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आगे क्वेश्चन बोल रहा है, योर लोकैलिटी हैज स्टार्टेड अ रीडर्स क्लब फॉर द बेनिफिट ऑफ द चिल्ड्रन लोकैलिटी, प्रिपेयर अ सुटेबल पोस्टर फॉर डिस्प्ले इन द कॉलोनी, ठीक है। तो अब कॉलोनी के लिए आपको क्या करना है, एक पोस्टर तैयार करना है। बनाने से पहले आप अपने माइंड में ही ड्रॉ कर लीजिए कि मुझे किन किन चीजों का ध्यान रखना है, ठीक है। सो एक परफेक्ट पोस्टर आप इस पे क्या कर पाएंगे, क्रिएट कर पाएंगे बनाते हुए। चलिए अब देखते हैं आगे, ठीक है। सो हमें नाम देना, सबसे पहले तो हमने नाम दिया, ठीक है, अनुपम ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी जयपुर अनाउंसेस द फाउंडेशन ऑफ रीडर्स क्लब, ठीक है, टाइटल हमारा हुआ एट द कम्युनिटी सेंटर, कहाँ पे, जगह का नाम भी दे दिया भाई, प्लेस आपका ये हो गया कम्युनिटी सेंटर के पास, ठीक है, टाइमिंग भी बताया इसमें कि 4 PM to 6 PM एंड वन करंट मैगजीन हम यहाँ पे करेंगे, ठीक है, मेंबरशिप भाई इसकी ले लें, फ्री है, ठीक है, फॉर डिटेल्स कांटेक्ट आप कर सकते हैं जो भी सेक्रेटरी है वहाँ की, एपी गुप्ता, और थोड़ा सा हमें अट्रैक्टिव दिखाने के लिए हम यूज भी कर सकते हैं इलस्ट्रेशन, ठीक है। सो बी ए मेंबर टूडे, सो ये चीजें हुई, होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। एक और क्वेश्चन करते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, प्रिपेयर अ पोस्टर एडवाइजिंग पीपल डू नॉट टेक अल्कोहलिक ड्रिंक्स इलस्ट्रेटिंग द डेंजर ऑफ कंज्यूमिंग अल्कोहल, योर इलस्ट्रेशन शुड बी इन कंफर्मिटी विद द थीम प्रोवाइड टू यू, ठीक है। सो इसके बारे में आप उनको बताना है कि भाई यूज ना करें, ठीक है, अवेयरनेस फैलानी इस चीज के बारे में कि लोगों को इन चीजों से बच के रहना चाहिए। सो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारा कैची टाइटल, से नो टू एल्कोहल, ठीक है, से इट नाउ, अभी ही इसे कहिए, ठीक है, एंड देन हम इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल देते हैं डिटेलिंग में कि एडिक्शन लीड्स टू, ठीक है, हमारी चीज़ों को किन किन चीज़ों को खराब करता है, ये हमारी हेल्थ को खराब कर देता है, फैमिली लाइफ को खराब कर देता है, हमें खुद खराब कर देता है, और हमें कहाँ पे ले जाता है, डेथ की ओर ले जाता है ना। तो ये चीज़ें याद रखनी है और इन चीजों को अपने माइंड में रखना है, क्योंकि जब हम किसी की टॉपिक के बारे में जब लिख रहे हो तो हम उसे कितना अच्छे से एक्सप्रेस कर पाते हैं ये मायने रखता है, ठीक है। तो विजुअल इफेक्ट हो गए, ठीक है, जहां पे हमें नीड है वहां पे हम बनाए, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा हम किस पे फोकस करें, अपने वर्ड्स पे। सो ज्वाइन डी एडिक्शन कैंप टूडे, ये आप कैंप यूज कीजिए, ठीक है, एंड रिगेन हेल्थ कंट्रोल एंड हैप्पीनेस, ठीक है, और अपनी हेल्थ की हेल्थ को कंट्रोल कीजिए और हैप्पीनेस की तरफ आगे बढ़िए।
और अब हम यहाँ पे फर्दर हम अपनी डिटेल्स पुट कर सकते हैं कॉन्टेक्ट कि हमें वो कैसे मिल सकते हैं आके। सो साथ ही फोन नंबर आप अपने यहाँ पुट कर सकते हैं और ये सारी चीजें, ठीक है। और जिसने भी ये इश्यू किया है उसकी सारी जो डिटेल्स हैं वो कहाँ पे आएंगी, एंड में ही आएंगी। ये चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये बात हुई पोस्टर राइटिंग की। और सबसे इजी होता है इसे बनाना, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम ने कहीं ना कहीं देखी हुई रहती हैं और हम इजिली उसे कैच भी कर सकते हैं कि यार एक पोस्टर डिजाइन कैसा होगा, ठीक है। हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं, विजुलाइज ज्यादा करते हैं उस चीजों को, ठीक है। हम इलस्ट्रेशन ज्यादा यूज करते हैं, इन चीजों का हमें कम यूज करना है। ज्यादा से ज्यादा हमें फोकस करना है कि हम वर्ड्स का यूज करें पोस्टर बनाते हुए और वर्ड की लिमिट को क्रॉस ना करें, ठीक है। 50 वर्ड्स को आपको याद रखना है कि 50 वर्ड्स में हमारा काम हो जाए, ठीक है। तो ये बात हुई आज पोस्टर की। होप आपको सारी चीजें क्लियर हुई होंगी कि पोस्टर बनता कैसा है, कैसी होती हैं सारी चीजें। अगर फिर भी आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं, आपके मन में कोई डाउट है, तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप आके पूछ सकते हैं मुझसे। आप सभी के क्वेश्चनों का स्वागत है वहां पे। और मैं आपको इंस्टा आईडी भी दे दूंगा, वहां पे भी आप आके मुझसे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे लिंक मिल जाएगा आपको। तो ये है कुछ क्वेश्चन, आप भाई इनकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है, क्योंकि प्रैक्टिस के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो इनको बनाइए और अपने एग्जाम के लिए रेडी हो जाइए। सो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा अपने दोस्तों के साथ और टैलेंट फंडा के साथ जुड़े रहिए। थैंक यू, बाय बाय।